यूपी के बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में 30 फरवरी 2022 को एक 8 वर्षीय मासूम की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने छतारी थाने में तहरीर देकर अपहरण की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र से 8 वर्षीय मासूम शादाब का शव नहर से बरामद किया है। बुलंदशहर पुलिस की माने तो मासूम के पिता एक डॉक्टर है, जिनके क्लिनिक पर निजाम और शाहिद दोनों ही आरोपी कंपाउंडर थे। किसी कारणवश इन दोनों को ही 2 साल पहले मासूम के पिता ने काम से निकाल दिया था, जिसके बाद से ही दोनों लोग बदले की भावना को लेकर मौके का इंतजार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि निजाम और शाहिद दोनों ही आरोपी डॉक्टर से पैसा वसूलना चाहते थे। जब इन लोगों ने देखा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस मासूम शादाब की तलाश कर रही है, इस सूचना पर दोनों आरोपी डर गए और मासूम को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया, जिसके बाद मासूम की गला दबाकर आरोपियों ने निर्मम हत्या कर दी और अपने गुनाह को छुपाने के लिए मासूम के शव को बोरी में डालकर नहर में फेंक दिया। दिनांक 28 जनवरी को समय लगभग शाम के 4 बजे छतारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय बालक की किडनैपिंग हो गई है, जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर हमारी थाना एवं सर्विलांस की 5 टीमें संयुक्त रूप से बच्चे की बरामदगी में जुट गई। एविडेंस के आधार पर आज 2 मुख्य अभियुक्त, जिसमें निजाम सनफ बास मोहम्मद एवं शाहिद सनफ गुफराम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें मुख्य अभियुक्तों की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया है। ये दोनों मुख्य अभियुक्त वादी के यहाँ कंपाउंडर का काम करते थे। 2 साल पहले वादी ने इन्हें इनकी की गई गलतियों की वजह से काम से निकाल दिया था। वादी का काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसी कारण कंपाउंडर की नौकरी से निकालने की वजह से और वादी का काम अच्छा चलने की वजह से ये इससे रंजिश मानते थे। पूछताछ में अन्य तथ्यों पर भी गंभीरता से जांच की जा रही है, जिससे कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए एवं कोई भी जो दोषी व्यक्ति है उन सबके खिलाफ सभी एविडेंस कलेक्ट कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल की काल कोठरी में भेज दिया है, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं मासूम की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।